बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों के पानी के बेहतरीन फवायद। मुंह की जल्द और बालों के लिए चावलों के पानी का बेहतरीन इस्तेमाल। तमाम लोग बिलखसूस ख्वातीन की ख्वाहिश होती है कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ, छाइयाँ और कील मुहासे पैदा ना हों। इस मकसद के लिए क्रीमों पर हर माह हज़ारों रुपये भी लगाती हैं, लेकिन अगर आप चावलों के पानी का इस्तेमाल करें तो आप इन मस्नूई क्रीमों से बच सकते हैं। चावलों को 20 मिनट हल्की आंच पर उबालने के बाद इसका पानी फेंकने की बजाय उसे बोतल में रख लें। जिल्द की शादाबी के लिए, अगर आप अपनी जिल्द को तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो इस पर चावलों का पानी लगाएं। इसकी वजह से जिल्द में मौजूद मुर्दा खुलिए ख़त्म होंगे और साथ ही नई जिल्द पैदा होगी। चेहरा धोने के बाद रुई के गाले पर चावलों का पानी लगाएं और इससे चेहरे पर मसाज करें। कील मुहासों का इलाज। अगर जिल्द पर कील मुहासे बनने लगें तो इस पर चावलों का पानी लगाने से जल्द ठीक हो जाएंगे और आप बगैर कोई क्रीम लगाए कील मुहासों से निजात पा लेंगे इंशाल्लाह। कंडीशनर। सर धोने के लिए कोई भी कंडीशनर इस्तेमाल करने की बजाय बालों को चावलों के पानी से धोएं और कुछ देर इंतज़ार के बाद नीम गर्म पानी से बाल धो लें। इस टोटके से बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इसको सदकाए जारिया समझकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि किसी का भला हो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।